याकूतपुरा असेंबली हल्के के तमाम बल्दी डिवीजनों के कॉरपोरेटर्स के साथ बल्दी बरकी आपरासानी ट्रैफिक पुलिस लैंड ऑर्डर पुलिस और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के तमाम लोगों के साथ रमज़ान के खसूसी इंतजाम के लिए आज सईद विला फंक्शन हॉल रैन बाज़ार में एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें पूरे काउंसलर अपने अपने हल्कों के शिकायतें पेश किए। तकरीबन 40 के करीब ऑफिसर शिरकत किए और उन्होंने तयकुन दिया कि रमज़ान के लिए हम पूरे स्पेशल इंतजाम करेंगे, पब्लिक को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसमें ख़ास बात यह है कि इफ्तार के वक्त ट्रैफिक जाम हो जाती है, पुलिस बंदोबस्त करना चाहिए और इफ्तार के वक्त आयन वक्त पे चालाना करने का निकलते रमज़ान के महीने में सादे दिनों में नहीं निकलते, उसको बंद कर देना चाहिए और लाइट को बिला वक्फा बरकी सरबराही को यकीनी बनाना चाहिए, मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाना और जहाँ कहीं भी बरकी की शिकायत है उसको फौरी दूर करना। रमज़ान के महीने में तमाम महकमे के लोग इमरजेंसी स्टाफ के तौर पर काम करना और जहाँ से भी कोई शिकायत का मौका मिले उसको दूर करना चाहिए। मेरा रमज़ान पुरअमन तौर पर गुजारने के लिए बल्दी बरकी आपरासानी सहूलत आवाम को और मुसलमानों को फराहम करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। तमाम ऑफिसरों ने तयकुन दिया कि हम बेहतर इंतजाम के ज़रिए इस काम में हम तआवुन करेंगे। शुक्रिया। कुछ मोहल्ले के लोगों को मैंने से लिए, ये घर से रिपोर्ट किए, वो घर से रिपोर्ट किए, उसके बाद धारा करें जाके मैनेज हो गए बात कर लेंगे। ये रमजान के महीने में बच्चे में साल के 12 महीने नहीं होना, लेकिन रमजान में स्पेशल तौर पर होना। आज से लोग करके हमारा अल्लाह को याद करते रहते, लेकिन ज्यादा कुछ टेंशन में आ गए तो भी बता, इसलिए ये सिलसिला आपके आपकी तरफ बढ़ेगी। उसके बाद से जेल को भेजना बंद हो गया, फिर अब शुरू करें, फिर परसों असेंबली में बोला तो कांग्रेस में साथ जवाब दिए, उसके बाद भी प्राथमिकता मात्र भेज रहे, जब 3 महीने कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है उसमें उसको फाइनल करें, या तो चालाना करिए जेलों को भेजिए या नहीं तो हमको जो करना है हम करिए। ये गरीब फुटपाथ पर बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, उसका जुर्म साबित नहीं कर सकते, जुर्म यही कि रोजगार के लिए बैठा हुआ है, उसको जेल भेज के उसकी जिंदगी को दागदार बना देते हैं। उसमें पूरे खानदान में उसका नाम बनना मुकदमा जेल को गया और कोई एहसास ही नहीं, गरीब लोगों को जेल को भेजते चले आ रहे हैं। ये सिलसिला गरीब पर होना चाहिए। नदी मिलकर सऊदी यूनिवर्सिटी साहब ने 4 मदद कमिश्नर साहब को बताया कि जेलों को नहीं भेजना चाहिए। आखिर में अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो नदी मिलकर से चार लेके जो भी करना करेंगे। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त शाम में चालाना का मौका मत दीजिए, आप सड़कों पर दिन तमाम कर लीजिए, 4 बजे के बाद से आप 7 बजे तक ये चालाना, अब तो आदमी अगर रेजिडेंशियल इलाके में भी खड़े होकर चालाना इस आर्टिकलोनी के अंदर बस्ती में खड़े हुए हैं, अब बच्चे आ रहे हैं मोटरसाइकिल पर रोके उनको चालाना करें, तो वैसे चालाना को भी महफूज करना चाहिए। मैं दौर करूंगा परिशुद्धदार से कि ऑफिसर से रमजान के इंतजाम में उनके पास जो एक्शन प्लान थे जो काम करते हैं हम तो बताएंगे, हम भी देंगे काम, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं वो भी अपनी तरफ से बयान देंगे। आपको सब पूरे एक एक आपके सामने पहले बदिया के सुप्रीम इंजीनियर साहब मेरे पास वो बताएंगे कि रमजान के इंतजाम